ने बताया कि ये जो करण चंदेला है ये इसके साथ फिजिकल अब्यूज करता था, मारता था, पीटता था और फोर्सफुली सेक्स करता था। तो यही बताती थी कि वो मुझे बहुत परेशान करता है और बहुत टॉर्चर करता है और मेरी वीडियोस वगैरह उसने रखी हुई है, मुझे सेक्सुअली ब्लैकमेल करता है। गुरुवार को दिल्ली के तिलक नगर इलाके में रहने वाले एक परिवार की खुशियां यूं एक ही झटके में खत्म हो जाएंगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन एक लड़की की माँ अपनी बेटी को घर में अकेला छोड़कर डॉक्टर के पास क्या गई? बेटी ने हमेशा हमेशा के लिए खुद को माँ से और इस दुनिया से दूर कर लिया। उसने अपने गले में फंदा लगाकर जान दे दी। और जानते हैं लड़की ने ऐसा क्यों किया? तो सुनिए। उस लड़की के साथ एक लड़का ज्यादती कर रहा था और उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के नाम पर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। जब मैंने इसकी सहेलियों को बुलाया और वो आई तो उन्होंने बताया कि ये जो करण चंदेला है ये इसके साथ फिजिकल अब्यूज करता था, मारता था, पीटता था और फोर्सफुली सेक्स करता था। तो यही बताती थी कि वो मुझे बहुत परेशान करता है और बहुत टॉर्चर करता है और मेरी वीडियोस वगैरह उसने रखी हुई है, मुझे सेक्सुअली ब्लैकमेल करता है। ये लड़की एमिटी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स और YWCA से जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर रही थी। इस वारदात का तब पता चला जब लड़की की मां ने डॉक्टर के पास से घर लौटते वक्त अपनी बेटी को फोन किया और जब वो घर लौटी तो उनकी लाडली फंदे से लटक रही थी। जब मैंने इसकी सहेलियों को बुलाया और वो आई तो उन्होंने बताया कि ये जो करण चंदेला है ये इसके साथ फिजिकल अब्यूज करता था, मारता था, पीटता था और फोर्सफुली सेक्स करता था। बेटी का जीना आराम क्या होता? उसने ये कहा था कि अगर तू मुझसे, क्योंकि वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, संबंध खत्म करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं छोड़ता था। वो कहता था तू नहीं मिलने आई तो मैं तेरी पे वीडियो YouTube पे डाल दूंगा, तेरे घर में दिखा दूंगा, तेरे ऑफिस में दिखा दूंगा, सब जगह दिखा के तुझे बदनाम कर दूंगा। पुलिस को दी गई शिकायत में लड़की की मां और उसकी सहेली ने करण चंदेला नाम के एक लड़के पर इल्जाम लगाया है कि उसने उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया और उसकी फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर लगातार उसका शोषण करता रहा। तो वो यही बताती थी कि वो मुझे बहुत परेशान करता है और बहुत टॉर्चर करता है और मेरी वीडियोस वगैरह उसने रखी हुई है, मुझे सेक्सुअली ब्लैकमेल करता है। और किसके बारे में? करण चंदेला के बारे में। कब से आपको बताती थी कितना परेशान करता है? ये तो अभी 2 दिन से बताया, बाकी पहले भी बोलती थी परेशान करता है ये सब ऐसे। तो हम उसको कहते थे कि अपनी मम्मी को मिलके हम बता देते, तो आपको बताने ही वाली थी मम्मी को, लेकिन फिर पता नहीं उसने ऐसा स्टेप क्यों लिया। एक बार उन्होंने इस बदतमीजी की शिकायत भी लड़के के पिता से की थी, तब उन्होंने अपने बेटे को डांटा भी था, लेकिन उसके बाद भी उसने लड़की को परेशान करना नहीं छोड़ा। हालांकि ये बात उसने अपनी माँ को दोबारा नहीं बताकर अपनी सहेली को बताई थी और सुइसाइड के बाद उसकी सहेली ने उसकी माँ से इस बात का खुलासा किया। सहेली का कहना है कि वो इस बारे में गुरुवार को ही अपने माँ को बताना चाहती थी। फिलहाल पुलिस आरोप की जांच कर रही है और लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।